energy received by the earth as solar, as incoming solar radiation. Incoming solar radiation को हम लोग क्या बोल देते हैं? Insolation बोल देते हैं, ठीक है. और ये जैसे कि हमारा अर्थ है, द सन रेज फॉल ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर. ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव, देखो ऑब्लिकली गिरती है हमारा, हम लोग पर मिनट हम लोग कितना रिसीव करते हैं, तो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर में हम लोग 1.94 कैलोरी हम लोग रिसीव करते हैं. देखो एपीहिलियन का मतलब होता है दूर, पेरीहिलियन का मतलब होता है पास. तो पेरीहिलियन होता है हमारा 3 जनवरी को, पास कब पास, 3 जनवरी को, ठीक है. और एपीहिलियन होता है 4 जुलाई को, ठीक है. तो जनवरी में ज़्यादा इंसोलेशन होती है, ठीक है, जनवरी में अर्थ ज़्यादा इंसोलेशन को रिसीव करता है. देखो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है. पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन पे तो भाई डिपेंड करेगी करेगी, रोटेशन पे करती है. जैसे कि मान लेते हैं कि अभी ये रोटेशन ही तो है जिस वजह से दिन है, ठीक है. तो यहाँ पे अभी इस एक्सिस पे चल रही है, फिर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, तो रोटेशन पे डिपेंड करता है. दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. भाई हमारा अर्थ जो है वो इस तरीके से है, इतना इंक्लाइंड है, तो इस वाले एरिया पे अभी यहाँ से सूर्य की किरण पड़ रही है, फिर ये इधर जाएगा तो इधर पड़ती रहेगी, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे फ़र्क पड़ता है. लेंथ ऑफ द डे, हाँ लेंथ ऑफ द डे एक फ़र्क डालता है. अगर लंबा दिन है, गर्मी है, लंबे दिन है, तो खूब इंसोलेशन है, सर्दी में थोड़ी कम है. ट्रांसपेरेसी ऑफ एटमॉस्फेयर के ट्रांसपेरेसी पे फ़र्क पड़ता है. ट्रांसपेरेसी का माननीय मतलब ये है, जैसे कि अगर क्लाउड्स हैं तो कम इंसोलेशन होती है, हम आराम से ऊपर देख सकते हैं, ठीक है ना. अगर तो ये ट्रांसपेरेसी पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर ऊपर कुछ और है, बारिश आ रही है तो इंसोलेशन कम है, मतलब ट्रांसपेरेसी, क्लाउड्स वगैरह ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है. फिर कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड का भी फ़र्क पड़ेगा, है ना. मान लेते हैं कि वो है आइस में क्या होता है, बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर जाती है, रुकती नहीं है, रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है ना. लैंड पे वो रुकती है, ग्रासेस पे ऊपर वो फोटोसिंथेसिस वगैरह बनाती है, तो लैंड का भी फ़र्क पड़ता है. तो हमने देखा रोटेशन का फ़र्क देखा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का देखा, लेंथ ऑफ द डे का देखा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट. अर्थ जो है ना वो 66.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है, ठीक है. देखो अगला जो है वो इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है. जितना हाई लैटिट्यूड होगा लेसर इज द एंगल दे मेक. जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है कि ये सीधा बना देगी 90 डिग्री एंगल, लेकिन यहाँ पे है तो ये कितना बना पाएगी, ये 45 ही बना पा रही है, 45 बना पा रही है इस तरीके से. तो जितना हाई लैटिट्यूड होगा, ये हमें याद रखना है, जितना हाई लैटिट्यूड होगा उतना ही लेस एंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लैंट रेज जाएंगी ना, ऊपर स्लैंट रेज जाएंगी, तो क्या है, एरिया कवर बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट रेज. मतलब वर्टिकल अब ये वर्टिकली जाएगी तो ये सिर्फ इतना सा एरिया कवर कर पा रही है, लेकिन जो स्लैंटेड जाएंगी वो इतना सारा एरिया कवर कर पाएंगी, इसीलिए स्लैंटेड रेज जो है वो हमेशा ज़्यादा एरिया कवर करती है. लेकिन जहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर होता है वहाँ पे नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाती है. यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि एकदम सीधी जाएगी, तो यहाँ पे क्या है कि एरिया इतना ही है बट यहाँ पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा, इतना एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा है, इतना एरिया बहुत ज़्यादा, अब इतना सारा है तो उसमें क्या है, थोड़ा सब पे थोड़ा है, ठीक है. इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज. भाई इतना याद रखना है, इसको याद मत रखियो, इतना याद रखना है कि जो स्लैंट रेज होती है ना वो मोर एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन वो ज़्यादा करती है. ज़्यादा एरिया ले रही है ना तो वही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा वही करती है. देखो एटमॉस्फेयर जो है ना वो लार्जली ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेव रेडिएशन का,
लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन. इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू एटमोसफेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सर्फेस विद इन द ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है? वाटर वेपर, ओजोन. भाई ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन होता है, ठीक है? तो ट्रोपोस्फेयर, ओजोन और अदर गैस यहीं पे होती है. एब्जॉर्ब मच ऑफ नियर द इंफ्रारेड रेडिएशन. वेरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू. देखो ये जो होती है ना यहाँ पे, ये स्काई का वो ऐड करती है. राइजिंग और सेटिंग सन में जो होता है वो रेड कलर होता है, और पूरे दिन में कैसा रहता है? नीला रंग रहता है. देखो ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है 320 वोल्ट और पोल्स के ऊपर होता है 70 वोल्ट मीटर स्क्वायर. मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर क्लाउडीनेस इज लीस्ट. भाई डेजर्ट के ऊपर क्या होता है? क्लियर स्काई होता है, इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन होती है. क्लाउड होने से क्या हो जाता है? क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसलिए जहाँ पे क्लाउड नहीं होते, जैसे कि डेजर्ट के ऊपर, डेजर्ट पे क्लाउड कैसे होंगे? वाटर वेपर ही नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो क्लाउड भी नहीं होंगे, क्लियर स्काई होगा, इसलिए वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन इन ट्रॉपिक्स. वही वाली बात है, ऐसे करके है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है, तो इस पे कम, एकदम इस पॉइंट पे कम इंसोलेशन पड़ेगी, जबकि जो ट्रॉपिक्स है वो थोड़ा सा ऐसे स्लेंटेड हो जाएगा, तो इस पे ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं ये वाला पॉइंट, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कंटिनेंट देन ओवर द ओशन. इंसोलेशन जो है वो कंटिनेंट पे ज़्यादा क्यों होता है, ओशन पे क्यों नहीं? वही वाली बात है, ओशन के ऊपर क्या हो जाएगा? ओशन के ऊपर क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड बनेंगे तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, कंटिनेंट के ऊपर क्लियर स्काई होता है, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं, इन विंटर मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर. सही, ऑब्वियस ही बात है, समर में ज़्यादा रिसीव होता है और विंटर में कम. देखो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, तो अर्थ जो है वो हीट होता है. द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिटेड टू द हीट बाय एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर द अर्थ इन द लॉन्ग वेव फॉर्म. देखो शॉर्ट वेव की फॉर्म आ गई, ये गर्म किससे होता है? ये गर्म होता है लॉन्ग वेव की फॉर्म से. लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव से हीट जो है वो गर्म होता है, ठीक है? द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड. देखो क्या होता है ना, ये आई है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी आई है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, गर्म है, ये वापस जा रही है, तो ये जो ये लेयर है, ये लेयर है, तो ये इसको गर्म कर रही है, ठीक है? तो क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है. कंडक्शन कब चलता है? जब दो बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर, भाई इसका टेम्परेचर कुछ और ही है, ये गर्म है यहाँ से निकल रही, तो ये गर्म वाली जब यहाँ जुड़ रही है, तो जब दो बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर देर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी, ठीक है? कैसे फ्लो होता है? वार्मर टू कूलर बॉडी, वही जो हम फ्राई पैन गर्म करते हैं गैस चला के, जो हम फ्राई पैन गर्म करते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, ये कंडक्शन ही होता है, कंडक्शन, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर. मतलब ये वाली लेयर दोनों जब सेम टेम्परेचर अचीव कर लें या फिर कॉन्टैक्ट टूट जाए, ठीक है? तो कंडक्शन कहाँ पर ज़रूरी होता है? कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इम्पॉर्टेंट है. देखो अब जो एयर है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, इस पे जो ये एयर है, अब ये गर्म हवा यहाँ से उठा रही है, गर्म हवा उठा के ये बढ़ रही है, ठीक है? द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ एटमॉस्फेयर. देखो इस वर्टिकल हीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. कंडक्शन में ये था कि जब किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा हो, और इसमें क्या होता है, जब कोई मीडियम हो, जैसे यहाँ पे एयर जो है वो मीडियम बनी है, यहाँ पे ये एयर जो है
यहाँ से ये मीडियम के तौर पे यहाँ से उठा के लेके जा रही है और फिर आगे की चीज़ों को गर्म कर रही है, ठीक है। ये जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड रहता है ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर, और एक तरीके से इवेपोरेशन जो है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन जो है वो भी कन्वेक्टिव की तरह होता है, उसमें भी कन्वेक्टिव होता है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई कॉन्टैक्ट चल के चलता है, नहीं, इवेपोरेशन में भी कंडक्टिव होता है, कन्वेक्टिव होता है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एडवेक्शन होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली होता है एडवेक्शन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन मिडल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायर्नल डे एंड नाइट वेरिएशन जो होती है ना, डेली वेदर की जो डे एंड नाइट वेरिएशन होती रहती है, उसमें हमारा एडवेक्शन चलता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो इन मिडल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायर्नल डे एंड नाइट वेरिएशन, अरे भाई है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाना, सी से सी ब्रिज टू लैंड ब्रिज, वो एडवेक्शन ही तो है, वो वर्टिकली तो चलती है उसमें, इसमें ऐसा तो नहीं उठ 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 के जा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो डे एंड नाइट वेरिएशन में जो डेली वेदर चेंज होता है वो एडवेक्शन की वजह से होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली लू जो है, लू वो भी एडवेक्शन से ही होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं, इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है एंड हीट अप इट्स सरफेस द अर्थ आफ्टर बीट। देखो एकदम से क्या होता है ना, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, ठीक है। तो जैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं तो अर्थ जो है इटसेल्फ क्या हो जाता है, इटसेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी, अर्थ क्या है, अपने आप में एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है। तो अब जो है वो रेडिएटिंग बॉडी जैसे बनेगा ना, तो वो रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, ठीक है। तो एनर्जी हीट किससे होती है, तो दिस जो तो एटमोसफेयर जो है ना, हीट अप होता है फ्रॉम बिलो, ये याद रखना है, एटमोसफेयर हीट अप होता है फ्रॉम बिलो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ओके। अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब हो जाती है पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली हीटर किससे होता है, अर्थ की रेडिएशन से। शॉर्ट वेव आई, ये अर्थ है, शॉर्ट वेव आई, इस पर अर्थ को रेडिएटिंग बॉडी बना दिया, फिर यही रेडिएट बैक कर रही है, ठीक है ना। तो फ्रॉम बिलो फिर ये रेडिएट बैक करती करती चलेगी, तो ये गर्म 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 में होती चली जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग वेव से हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है वो हमारा गर्म होता है। अब क्या होता है, जितने भी हीट ली है ना, वो सारी की सारी हीट को स्पेस में ट्रांसमिट कर देता है फाइनली, इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है ना, जितनी लेता है उतनी दे देता है वापस, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। देखो क्या होता है, 100% टोटल, 100% सोलर रेडिएशन आती है, ठीक है, उसमें कुछ परसेंट जैसे यहाँ पे क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स जो है वो 27% रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ अर्थ रिफ्लेक्ट कर लेता है, अर्थ में क्या होती है आइस, तो कुछ क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ आइस जो अर्थ पे होती है 2% आइस रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर कुछ को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही कम को करता है, कुछ फिर यहाँ पे स्कैटर्ड रेडिएशन हो जाती है, इतना है। मेन बात सिर्फ ये समझनी है कि अर्थ जो है वो नीदर वार्म्स अप नॉर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, ना तो वो ज़्यादा गर्म होता है कभी भी, ना वो ज़्यादा ठंडा होता है, बस ट्रांसफ़र ऑफ हीट चलता रहता है, इतना याद रख बस, कि लॉन्ग वेव रेडिएशन में क्या होता है, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन होता है और कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन होता है और कंडेंसेशन होता है। देखो सरप्लस होता है, नेट रेडिएशन का सरप्लस होता है बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ तक क्या रहता है, सरप्लस रहता है, ठीक है। एंड द रीजन नियर पोल, रीजन नियर पोल में क्या रहता है, डेफिसिट रहता है, ओके। तो रीजन नियर पोल में क्या रहता है, डेफिसिट रहता है। अब क्या होता है कि जो सरप्लस एनर्जी है, जो मैंने बताया ना कि 40 नॉर्थ से 40 साउथ, जो इसमें जो सरप्लस रहता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पोलवर्ड के, पोल के तरफ वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर रीडिस्ट्रीब्यूट ना हो तो, रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, ताकि रिजल्ट क्या आता है, ताकि ट्रॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो जाए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट, और जो
हाई लैटिट्यूड है, जो पोल वाला एरिया है वो परमानेंटली फ्रोजन ना रह जाए ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। इसीलिए समझ में आ रहा है, डू नॉट गेट, डू नॉट गेट क्या, ट्रॉपिक जो है ज़्यादा गर्म ना हो जाए और जो हाई लैटिट्यूड है ज़्यादा ठंडे ना हो जाए, इसलिए जो हीट है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। ये सरप्लस वाला एरिया है 40 से 40 के बीच में सरप्लस वाला एरिया है, तो यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर के अंदर मेज़र करते हैं। टेम्परेचर किस किस पर डिपेंड होता है, लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम सी, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर मास सर्कुलेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओशन करंट पे भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, और लोकल एस्पेक्ट पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। एयर मास सर्कुलेशन है, प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट है, लोकल एस्पेक्ट है, लैटिट्यूड है और एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है। लैटिट्यूड हमने देख ही रखा है कि जितना हाई लैटिट्यूड होगा उतना टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। देखो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो इनडायरेक्टली हीटेड होता है फ्रॉम बिलो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, ठीक है। देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल, द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर देन द प्लेसेस एट हायर एलिवेशन। नीचे से हो रहा है तो नीचे ज़्यादा होगा, तो सी लेवल वाले प्लेसेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हायर एलिवेशन हिल्स वगैरह। इन अदर वर्ड टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। यस, रेट ऑफ डिक्रीज कितना होता है विद हाइट, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। द रेट ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिक्रीज, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। ये कितना होता है, 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री गिर रहा है, गिर रहा है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइजोथर्म के, आइजोथर्म विद द हेल्प ऑफ आइजोथर्म, आइजोथर्म वो लाइन होती है जो टेम्परेचर दिखाती है इक्वल टेम्परेचर वाला। आइजोथर्म जो होते हैं ना आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड। देखो आइसोथर्म का जो डेविएशन है ना, डेविएशन वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है जनवरी के अंदर, और जनवरी में स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा डेविएशन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा। दूसरा, यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ लैंड मास है और ओशन करंट है, ठीक है। अब ये जो है ना डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, जैसे कि ये जो ओशन वाला इलाका है तो ओशन में एकदम से नॉर्थ की साइड चला जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ की साइड चला जाएगा और ओशन में एकदम से ये नॉर्थ की साइड चला जाएगा एंड डेविएट साउथ ओवर द कंटिनेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ये। यहाँ पे वार्म ओशन करंट भी एक कारण है। वार्म ओशन करंट से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री के लगभग हो जाता है, ठीक है, और कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से। गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वार्म बनाती हैं, ठीक है, ये याद रखना है कि वार्म ओशन करंट यहाँ पे, ठीक है, तो वार्म ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये क्या करती है, ये जो चीज़ें हैं वार्म ओशन करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, यहाँ से इक्वेटर से पानी उठा के और ऊपर लेके जाती है। ऐसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का भी यही काम है, तो इक्वेटर से गर्म पानी उठा के ऊपर लेके जाती है, इससे क्या हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो वार्म हो जाता है। एंड द आइसोथर्म बेंड टूअर्ड द नॉर्थ, बेंड टूअर्ड द नॉर्थ, ठीक है ना। लैंड में क्या होता है, डिक्रीजेस शार्पली, बेंड टूअर्ड द नॉर्थ का मतलब क्या है, 0 डिग्री के पास जा रहा है, ठीक है, और ओवर द लैंड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज शार्पली होता है, तो एकदम से बेंड टूअर्ड द साउथ, ठीक है ना।
इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन. कहाँ पे देखा जाता है ये? साइबेरियन प्लेन के पास ज़्यादा देखा जाता है ये. द मीन जनवरी टेम्परेचर अलोंग इफेक्ट ऑफ ओशन कहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है? सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर. ठीक है, तो आइजोथर्म जो है वो मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. भाई सदर्न हेमिस्फेयर का जो वेरिएशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल धीरे 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 होता है ना. नॉर्थ में तो एकदम से ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे सदर्न में होता है ग्रेजुअल. इक्वेटोरियल ओशन का जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री हम मापा गया है. देखो यहाँ पे क्या है ना, जनवरी जो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर जो देखा गया है ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरेशियन कंटिनेंट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरेशियन कंटिनेंट कितना देखा गया है? ये 60 डिग्री तक जाएगा. दिस इज ड्यू टू कंटिनेंटैलिटी, और कम से कम होता है 3 डिग्री. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, देखो नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एब्सेट. जब ये सिचुएशन पलट जाती है, जब टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी हाइट बढ़ रही है, हाइट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. ये कहाँ पे होता है? ये होता है कि लॉन्ग विंटर नाइट है, ठीक है, विद क्लियर स्काई है और स्टिल एयर है. तीन कंडीशन बोली हमने, विंटर नाइट, ठीक है, और क्लियर स्काई और स्टिल एयर. ठीक है, तो क्या होता है कि अब जैसे कि जब विंटर नाइट है, क्लियर स्काई है, स्टिल एयर है, तो जो हीट जो है वो पूरी की पूरी रेडिएट ऑफ हो जाती है, सारी सारी हीट चली गई. तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो जाता है ठंडा सुबह सुबह, और जबकि यहाँ पे होती है थोड़ी सी गर्मी. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. और पोलर एरिया पे ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये नॉर्मल है. तो दो कंडीशन हमने देखी कि जब विंटर नाइट होती है, क्लियर स्काई होता है और स्टिल एयर होती है, तो वहाँ पे होता है पहला. दूसरा क्या है कि पोलर एरिया पे टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द ईयर. सरफेस इन्वर्जन जो है ना, सरफेस इन्वर्जन जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर में, क्योंकि सारी सारी रेडिएट ऑफ हो चुकी है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी एकदम स्टेबल रहता है ना. तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर में. अब क्या स्टेबिलिटी, अगर खाली जगह है तो उसमें क्या होता है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल जो है ना वो कलेक्ट होके और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो स्मोक एंड डस्ट पूरे के पूरे इसमें भर जाते हैं. ठीक है, इसी वजह से अब ऊपर उड़ चुकी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डेंस फॉग दिखाई देती है हमें. इस कारण से डेंस फॉग दिखाई देती है, और ये जो है ना ये कुछ घंटे तक रहता है. जैसे ही सूरज आता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अब ये हिल पे होता है और माउंटेन पे होता है ड्यू टू एयर ड्रेनेज. ठीक है, देखो मैंने बताया कि इन्वर्जन जो है वो टेक प्लेस होता है हिल्स में और माउंटेन्स में ड्यू टू एयर ड्रेनेज. देखो होता क्या है, ये हिल है, ये माउंटेन है, ठीक है, नीचे वैली है, तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जितने भी ये जो कोल्ड एयर है ना, ये रात को नीचे आ जाती है. ठीक है, फिर नीचे से ऊपर उठती है, तो नीचे क्या होता है, नीचे ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता चला जाता है. ठीक है, तो क्या लिखा है कि इन्वर्जन जो है वो हिल और माउंटेन के अंदर पाया जाता है. कोल्ड एयर इन द हिल एंड माउंटेन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट अंडर फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नीचे आ जाती है, वैली के अंदर बैठ जाती है आके. ठीक है, बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर, क्योंकि गर्म हवा जो होती है, देखो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर जो होती है वो होती है भारी, हाई प्रेशर होता है, तो एकदम से नीचे आ जाएगी वो, और वो एक्ट करती है ऑलमोस्ट लाइक ए वाटर एंड मूव डाउन टू द स्लोप टू पाइल अप डीपली इन पॉकेट्स एंड वैली बॉटम विद वार्म एयर अबव. अब ये क्या, एकदम से ये नीचे वैली में चली गई है, इसमें क्या है, नीचे कोल्ड एयर हो गई और वार्म एयर जो है वो हमेशा सदाई अबव रहती है. इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रेनेज. और ये जो है इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज. अब क्या होता है कि जैसे कि ये कोल्ड एयर जो है नीचे आ चुकी है ना, इसके ऊपर यहाँ पे वार्म एयर, तो ये फ्रॉस्ट, जैसे फ्रॉस्ट गिरती है और ऊपर से, तो फ्रॉस्ट जो है वो यहीं पे, जो वार्म एयर जो ऊपर बनी है ना, ये यहीं पे ही समा जाएगी फ्रॉस्ट, इसलिए ये प्लांट को बचाती है फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज, क्योंकि नीचे क्या हो गई, हमारी कोल्ड एयर हो गई है,
यहाँ पे फिर हमारी वॉर्म लेयर हो गई है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी होती है फ्रॉस्ट, तो इससे बचाती है। प्लैंक लॉ क्या कहता है, कहता है हॉटर है बॉडी मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन की बात कर रहा है कि शॉर्टर द वेवलेंथ, ठीक है, हॉटर जितनी बॉडी हॉट होगी उतनी ज़्यादा वो रेडिएट करेगी, ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम को बाय 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, हमें 1 ग्राम के अंदर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। 21 जून को सन कहाँ पे हेड करता है, इक्वेटर पे। लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होता है, त्रिवंतपुरम में, केरला में। किससे हीट होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन से। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आइसो एल्बिडो, द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। आइसोथर्म, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। एनुअल रेंज, डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट एंड द कोल्डेस्ट मंथ। इसमें सही कौन सा है, क्या कारण है कि अर्थ जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर लेता है सब ट्रॉपिक्स में। सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे लॉन्ग डे आवर्स इन द समर देन इक्वेटोरियल।